जी हाँ दोस्तों, हर कोई इसी बात को लेकर काफी सोच विचार में है कि क्या सचमुच सागर धनखड़ हत्याकांड फ्लैट के किराए की वजह से विवाद शुरू हुआ या फिर कोई गैंग वॉर थी। तो आप सभी को बता दें, इसमें एक शख्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। दरअसल दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व रेसलिंग कोच अजय सिंह ने इसे गैंग वॉर बताया था बातों ही बातों में। आप सभी को बता दें, उन्होंने कहा कि ये किराए या फ्लैट के लिए नहीं था। क्राइम तक यूट्यूब चैनल के लिए वरिष्ठ पत्रकार शम्स ताहिर खान से बातचीत में अजय सिंह ने कुश्ती जगत से संबंधित कई बातों का खुलासा किया। शम्स ताहिर ने उनसे कहा कि कहा जा रहा है कि सागर धनखड़ एक साल से अखाड़े में नहीं आया। इस पर अजीत सिंह ने बताया कि एक जमाने में सागर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी था, उभरता हुआ सितारा था। जूनियर लेवल पर उसने नेशनल में हिस्सा लिया। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो रेसलिंग की प्रतियोगिताएं, यानी कि जितने भी खेल हो रहे थे रेसलिंग से जुड़े, वो कोविड नियमों के चलते बंद कर दिए गए थे। और पिछले एक साल में सिर्फ सागर ही नहीं बल्कि कई पहलवान कुश्ती से दूर थे। अजीत सिंह ने आगे कहा कि लॉकडाउन के कारण गांवों में दंगल बंद हो गए थे, इससे उनकी कमाई होती थी। 90% पहलवानों की ट्रेनिंग नाममात्र चल रही थी। सागर दिल्ली में था, ये बताइए कि एक पहलवान के पास सोनू महल के आने का क्या मतलब है? यानी कि अगर एक पहलवान जो जूनियर लेवल पर बहुत अच्छा कर रहा है, उसके पास हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर सोनू महल जैसे बड़े खूंखार अपराधी का आने का क्या मतलब बनता है? उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुशील कुमार उसके साथी सागर को उठाकर लाए हैं, तो सोनू को भी तो लाए थे। सागर के सोनू का क्या कह रहा था, यानी कि सागर सोनू के बीच क्या था? इससे तो ये साबित हो जाता है कि सागर के भी गैंगस्टर से संबंध थे। यानी कि दोस्तों, अजीत सिंह ने इशारों में ये कह दिया कि ये एक फ्लैट को लेकर नहीं बल्कि गैंग वॉर था। अब छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में 4 मई की रात को पहलवानों के दो गुटों में झड़प थी। इससे 5 पहलवानों की काफ़ी चोट लगी। सागर जो 23 साल का था, उसकी जान चली गई। सोनू महल, जिसकी उम्र 37 साल बताई जाती है, वो गंभीर हालत में था। अमित कुमार, जिसकी दोस्तों करीब 27 साल उम्र बताई जाती है, वो भी गंभीर हालत में था। इसके अलावा 2 अन्य और पहलवान थे, उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अस्पताल में इलाज के दौरान सागर ने दम तोड़ दिया। वह दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।